तो स्वागत है दोस्तों आपका पानीपुरी भैया की एक और नई वीडियो में। तो पानीपुरी नरम होती है ना आप लोग की, बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है कि जब पानीपुरी बनाते हैं तो नरम होती है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा कि पानीपुरी नरम होती क्यों है और क्या करना चाहिए, कितना देर आटा छोड़ना चाहिए और क्या तरीका है जिससे पानीपुरी आपकी नरम नहीं होगी। तो ये टिकिया ना मेरी सरक रही है थोड़ी सी, मैं टिकिया थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, हम लोग जो पानीपुरी बनाते हैं ना वो एकदम क्रंची होती है, देखो एकदम पतली होती है। अगर आपकी मोटी पतली होगी ना तो वो नरम हो जाएगी। तो मोटी पतली ना हो उसका क्या कारण हो सकता है ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। सुनाऊं ये देखो तो कितनी ज़्यादा क्रंची है। तो ऐसे ही पानी पूरी आपके भी बनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तो ही समझ में आएगा भाई साहब। अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे ना, हल्का से टाइमिंग इधर उधर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और ये जो पानी पूरी बनाई है ना, मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ। देखो एकदम रेड है अच्छी और क्रंची भी है, मैं आपको सुनाता हूँ खुद ही। ये देखिए एकदम क्रंची है, तो ऐसे ही पानी पूरी आपकी भी बनेगी। तो ये देखिए दोस्तों अंदर में भी ना इतनी सारी पानी पूरी बन के रखी है यहाँ पे है। ये देखो पनीर में ना पैक करके हम रख देते हैं और पापड़ी रहती है ना उसको भी रख देते हैं। और ये रहा वो आटा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तंदूरी आटा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो तंदूरी आटा लिखा हुआ है और आटा मैं आपको दिखाऊँ ना, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद रहता है ये वाला, जिसके चक्कर में ना पानी पूरी हम लोग की नरम नहीं होती है। देसी आटे की बना सकते हो लेकिन उसमें ना हल्की सी नरम हो सकती है अगर उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट इधर उधर हो गया तो, लेकिन इसमें सही है। अब इसमें मैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले तो ये देखो एक प्लेट ले ली मैंने छोटी सी, और मैं ये दिखा रहा हूँ सिर्फ, इसको आप ना ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। एक प्लेट मैंने ये आटा ले लिया है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ मैं सूजी डालूंगा और बाकी कुछ भी नहीं डालूंगा। ये देखो मैंने बारीक वाली सूजी भी ले ली है और ये सूजी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। और मैं पैकेट दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए ये वाला सूजी का पैकेट मैंने लाया था और इसको भी मैं ना पूरा डाल देता हूँ। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर देता हूँ अच्छी तरीके से, और इसी को ना आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। अब इसको सानने के बाद कितना देर छोड़ना है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, एंड तक देखिएगा पूरा। तो दोस्तों अब इसको रखे रखे ना तकरीबन 3 घंटा हो गया है, और अभी देखो उस टाइम पे धूप भी था जब इसको सारा था, और आराम से पन्नी पैक कर दिया ना, जो भी ना वो सूजी रहती है ना खड़ी खड़ी, वो आराम से ना एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और सूजी सॉफ्ट हो जाती है ना तो उसके बाद पानी पूरी अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैं इसका लही तोड़ लेता हूँ, ये आपको मैं छोटा क्वांटिटी में बना के दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको बड़ा क्वांटिटी में कर सकते हैं। आप ना चाहें तो इसे मीठा छोटा भी डाल सकते थे बट मैंने नहीं डाला है, तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ता, आप लोग कैसे करते हैं ये भी कमेंट करिएगा। तो ये बना के दिखाता हूँ अभी आप लोग को। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले ना इसका लही तोड़ लेना है, और लही आप हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा होगा तो मोटा हो जाएगा तो जिससे पानी पूरी आपकी सिलेगी, और ज़्यादा पतला होगा तो पतला हो जाएगा, हो सकता है फूले भी नहीं, और फूलेगी भी ना तो फूट जाएगी जल्दी। तो इसलिए ना एक पोटरा का आप लोग ट्राई करिएगा, ज़्यादा वैसा नहीं। ये देखो इस प्रकार से आपको करके ले लेना है। आप अगर बिगिनियर हैं, बिगिनियर क्या ही बोलूँ मैं दोस्तों, ऐसे करके ना चक्कू से काट सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम लोग ऐसे ही तोड़ते हैं इसको। इसको हम लोग ना बोलते हैं बढ़ता बोलते हैं, और छोटे छोटे ना इनकी से गोली बना लेनी है हल्की हल्की। ये देखिए मैं बना लेता हूँ इसके सारे के अभी। तो दोस्तों लोही तोड़ ली मैंने, अब इसमें ना हल्का हल्का आटा लगा देता हूँ ताकि ये जो चिपके ना हल्का सा ये चिपके नहीं, और इसको मैं बेल के आपको दिखाऊंगा इस मशीन से। इसको पूड़ी मशीन बोलते हैं और रोटी मेकर भी बोलते हैं। तो ये मिल जाती है आसानी से हार्डवेयर दुकान में कहीं भी 250 रुपये की, ये भी हमारे पास। और मेरे पास हम लोगों ने पटा बेलन से बेलते थे पहले, और अभी ना बड़ी मशीन है उससे ही बेलते हैं। तो इसमें मैं देखो दबा देता हूँ ऐसे करके, और इसमें देखना ये आपकी पानी पूरी ये देखो हो गई, सही हो गई इसकी। लेकिन ना जो बड़ी मशीन है ना मेरे पास उसमें ना काफ़ी ज़्यादा जल्दा होता है, इसमें ही करके रखना पड़ता है, उसमें इकट्ठे कर दो और एक बार दबा दो तो भाई कम से कम 10-15 मिनट में ना पूरी पानी पूरी गल सकते हैं उसमें। तो इसको मैं कपड़े में सजा कर रख देता हूँ। तो ये पानी पूरी को मैं बेल ले रहा हूँ, और यहाँ पर कपड़ा लगा दिया है, और एक कपड़ा मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, तो इससे ना क्या होगा कि कपड़े में ना ढक के रखना पड़ेगा हल्का सा। और इस कपड़े को मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि ये स्टील का मशीन था ना तो पूरा ना ऐसे मैं दबा रहा था पूरा सड़क जा रहा था इसी चक्कर में। तो इसको फटाफट बेल लेता हूँ चलो, और इसको ना बेलने के बाद कितना देर रखना है बताऊँगा अभी। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई का रंग भर दिया हूँ और यहाँ पे ना पानी पूरी डाल रहा हूँ देखो, और इसको ना हल्का हल्का ना हिलाना पड़ेगा आपको ताकि इधर उधर दबेगा ना तो आपकी पानी पूरी ना पचा सकती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और तेल आपका ना थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल रहेगा ना तो पानी पूरी अच्छी आएगी, ये देख सकते हो आप लोग सारी पानी पूरी फूल रही है अच्छी तरीके से। और इसको कंटिन्यू ऐसे करके हिलाना पड़ेगा, ये देखो
ऐसे करके हिलाते रहेंगे ना तो तेल जो पड़ता है पानी पूरी के ऊपर वो क्रंची करता है, उसको अच्छी तरीके से फुलाता भी है। तो इस प्रकार से पानी पूरी आपकी आएगी, आप ध्यान रखोगे तो। सूजी और हो गया आटा हो गया, बस इसमें कुछ मिनट डाला हूँ मैं बाकी, तो ये देखिए। और इसको ना अच्छी तरीके से चला के आपको निकाल लेना है, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना भी है। अगर बरसात का मौसम है तो जल्दी पैक कर देना है, और वैसे ठंडा मौसम है तो आपको सूरज दिखा के इसमें छोड़ देंगे ना हल्का सा, तो ये मस्त क्रंची हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा और बचा हुआ था उसको भी तल लेता हूँ मैं, ज़्यादा पीस तो बनाया नहीं था, आपको भी पता है, आप लोग देखे थे कि 15-20 पीस के आसपास तो हो गई होगा। ये देखो इन सबको तल के ना ऐसे करके चलाना पड़ेगा धीरे धीरे। और ये जो पानी पूरी बनाई है ना, मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ, देखो एकदम रेड है अच्छी, और क्रंची भी है, मैं आपको सुनाता हूँ खुद ही। ये देखिए एकदम क्रंची है, तो ऐसे ही पानी पूरी आपकी भी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपकी पानी पूरी बन चुकी होगी या फिर अच्छी बनी होगी। नहीं बनी होगी तो कमेंट कर देना। और आज देखो अभी दूसरा दिन है, कल तो मैं ये वीडियो बनाया था, और आज ना मैं 3 पन्नी पानी पूरी ले जा रहा हूँ। ये भी देखो अच्छी कड़क है, भुनी तो नहीं हुई है, फिर मैं फोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो रख देता हूँ अंदर में ही, तो नहीं बनती है ना तो कमेंट करना, फिर उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा एक बार। और आप ना पानी पूरी भैया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस पर आपको पानी पूरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। और आप चाहें तो मेरा एक और चैनल है राकेश लाइफ, जिसमें मैं पानी पूरी बेचते हुए ब्लॉग बनाता हूँ, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें ना ये पानी पूरी मैं कैसे बेचता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय। टाइट हो गया ये, ठीक है चलते हैं अब।